नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हो तो Instagram का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे Instagram पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर मैं क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा, दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा, दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी, 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वो है जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों, नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, करंट चार्ज RS 700 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली, केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं आज क्या कैसे है। बोलिए लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। कन्या राशि वालों की सितंबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल, जो लोग कन्या राशि के हैं उनका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि क्या आप कन्या राशि वाले हो या नहीं। दोस्तों, कन्या के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ढो, पा, चाहे पौ भी आप ले सकते हो, पौ दृघिकार, पौ ध्रुहुकार, मूर्धन्य स, बड़ी न, ठ, पे और पो, इन सब में से अगर आपका नाम शुरू होता है, जैसे कि पौ से आपका नाम है, पंकज भी अगर नाम है तो भी आपका राशि कन्या ही हुआ, पी से नाम हुआ पीयूष अगर आपका नाम है तो भी आपकी राशि कन्या ही हुई, पू से पुण्य प्रसून वाजपेयी अगर आपका नाम है तो भी आपकी राशि कन्या ही हुई। इसी प्रकार से जो भी अक्षर से आपका नाम है आपकी राशि कन्या हुई, लेकिन आपका क्या नाम है ये हमें जरूर बताएं कमेंट में, ताकि हमारी आपकी कुछ जान पहचान भी हो सके, कुछ बातचीत भी हो सके।
मित्रों, आपकी जो राशि स्वामी है वो बुध देवता है और आपका जो जीवन रत्न है वो पन्ना है। आइए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कन्या राशि वालों के सितंबर यानी कि इस महीने के अंतिम सप्ताह का राशिफल। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप कन्या राशि वालों के 2020 की संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अगर जानना चाहते हो, आप पूरे संपूर्ण 2020 का, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कन्या राशि वालों का 2020 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देख सकते हो। सप्ताह की शुरुआत मंगलकारी है। इष्ट मित्रों से सहयोग एवं लाभ प्राप्त होगा। विचाराधीन योजनाओं को सप्ताह के शुरुआत में ही क्रियान्वित करने का प्रयास करें। व्यावसायिक क्षमता का भी विस्तार होगा। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। न चाहते हुए भी आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती है, जिसका मुकाबला करना ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। आपको विशेष रूप से सप्ताह के अंत में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये तो हुई संक्षिप्त राशिफल सितंबर के अंतिम सप्ताह की। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा विशेष राशिफल। सप्ताह के शुरुआत में आप काफी व्यस्त रहेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे। आप भविष्य में व्यवसाय में वृद्धि और सफलता के लिए कुछ नए नव विचारों को लागू करने की संभावना भी रखेंगे। आपके सहकर्मी आपको इसे संभव बनाने में मदद करेंगे। आपको एक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो आपके व्यवसाय में कुछ सकारात्मक कदम भी देगा। आपका निवेश आपको मुनाफा देगा, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी। छोटे निवेश में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। घरेलू मोर्चों पर आपका परिवार सद्भाव बनाए रखने के लिए आपका समर्थन करेगा। आप विरोधियों और छिपे हुए दुश्मनों से जीतने की स्थिति में भी होंगे। आप कुछ पदोन्नति या नौकरी में बदलाव की उम्मीद करेंगे, जिससे पेशेवर स्थितियां बढ़ेगी। माता पिता का स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लव वर्ड्स यानी कि लव कपल जो है अपने गुणवत्ता के क्षणों का आनंद लेंगे। सिंगल जो है उनको भी प्यार मिलने की संभावना है, वो भी डबल हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अवसरों की पर्याप्त उम्मीद करेंगे। मुनाफे के मामले में आपके निवेश का भुगतान हो जाएगा। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है, जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। पुराने स्वास्थ्य के मामले ठीक हो जाएंगे। छात्र अपने शिक्षाविदों के संदर्भ में अच्छी खबर सुनेंगे। नया उद्यम आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। सिंगल को अपनी आत्मा का मैच मिलने की संभावना, यानी कि सिंगल जो है डबल हो सकते हैं। आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है। आप अपने वर्तमान नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद करेंगे और नौकरी तलाशने वालों को एक उपयुक्त नौकरी खोजने की उम्मीद करेंगे। जोड़े हैं जो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें बच्चे की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, या प्राप्ति से संबंधित कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। अंतिम कुछ दिन आप नकारात्मक चंद्रमा से प्रभावित होंगे, जो अनुकूल नहीं होगा। आप दुखी और अधीर महसूस करेंगे, जिसका असर आज के दिन पर पड़ेगा। आपकी परियोजनाएं बिना किसी कारण के अपने आप काम करना बंद कर देंगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। चिंता और बेचैनी आपको परेशान कर देगी। आप बेकार काम करने में अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। आपको कुछ मंत्रों का जाप और ध्यान करने की भी सलाह दी जाती है, जो आपको गंदी स्थिति से बाहर आने में मदद करेगा। जोखिम भरे निवेश और अटकलों से बचने की सलाह भी दी जाती है। ड्राइविंग, एडवेंचर या कुछ भी खतरनाक काम करने से दूर रहें तो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यही थी कन्या राशि वालों की सितंबर के अंतिम सप्ताह की राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।